नमस्कार, राम राम जी। कैसे हो आप सभी? आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, फिट होंगे। तो सुबह का काम शुरू हो गया है और अभी दूध गर्मा के टांग लिया है मैंने। तो क्या होता है, जैसे रात का रहता है ना, तो उसको गर्मा के टांगो, नहीं तो अगर थोड़ा सा लेट हो जाता है तो। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है इस टाइम और जिसके कारण ख़राब हो जाता है। और आज हमारे यहाँ पूड़ी बनेगी। और आज ना बहुत दिन बाद मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, क्योंकि आप लोग जो ये वीडियो आप लोग देख रहे होंगे ना, तो ये जानते हो कैसे हैं, ये मैंने बहुत पहले शूट करके रखे थे, सारे 2-3 महीने पहले से शूट करके रखे थे। तो उनको मैंने अभी तक नहीं डाला था, मतलब उनको पब्लिक नहीं किया था, तो इसलिए वो सारे निकले हैं। और थोड़ा सा एक ट्रेजेडी भी हो गई थी फैमिली में, तो वो मैं अभी आगे बताऊंगी कि क्या हुआ है, जिसके कारण मैं काफ़ी दिन से वीडियो नहीं बनाई हूँ, कोई भी किसी भी तरह का वीडियो नहीं बनाई हूँ। जो पिछले थे सारे वही हैं, तो पूरा मैं आपको बाद में बताती हूँ वीडियो के लास्ट में। तो प्लीज़ आपसे एक निवेदन है कि प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए फ्रेंड्स एंड फैमिली में, और प्लीज़ लाइक कर दिया करिए, क्योंकि आप लोग ना लाइक नहीं करते हो, और लाइक करने का ना तो आपको कुछ मिल, ना आपका कुछ जाने वाला है, ना मुझे कुछ मिलने वाला है, बस मन की शांति अच्छा लगेगा थोड़ा सा। तो प्लीज़ आप लोग लाइक ज़रूर करा करें। और चलो अभी क्या बनाती हूँ वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, क्योंकि आज ना एकादशी है। पता नहीं ये वाला वीडियो कब जाएगा, मुझे नहीं पता है, लेकिन आज एकादशी है, तो एकादशी के दिन हमारे घर में पूड़ियाँ बनती हैं, मतलब चावल नहीं बनता है, तो मोस्टली पूड़ी और सब्जी ही बनती है। तो चलो दिखाती हूँ कैसे बनाती हूँ और क्या। आलू मैंने उबलने के लिए रख दिए थे, तो अभी आलू बहुत अच्छे तरीके से पक गए, मतलब बहुत अच्छे तरीके से नहीं, जैसे पकना चाहिए बस वैसे पक गए हैं। तो आलू पकने के बाद मैं उनको छील लूँगी, और फिर आटा गूँथ के भी रख देना है दूसरी तरफ। तो क्या होता है, जैसे एकादशी का दिन होता है ना, तो हमारे यहाँ ज़्यादातर जीरा आलू या फिर मेथी वाले आलू जो बनते हैं ना, वही वाले आलू बनते हैं, और कोई दूसरी सब्ज़ी नहीं बनती, क्योंकि चावल नहीं बनता है, पूड़ियाँ बनती हैं। तो पूड़ियाँ हमारे घर ज़्यादातर सब लोग पसंद करते हैं फ्राई आलू के साथ खाना। तो अगर आपके यहाँ एकादशी को चावल नहीं बनता है, तो आप भी मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा। बनाने जा रहे हैं फ्राई आलू बिल्कुल आसानी से और बहुत ही कम चीजों के साथ। तो ये मेथी दाना सबसे पहले डाल देते हैं, थोड़ा सा डालूंगी ही, थोड़ा सा हींग कम लग रही थी तो मैं थोड़ा सा और डाल दूंगी। और ये ना मैंने कट करके रखी मिर्चियाँ, तो ये खड़ी मिर्ची इसलिए डालूंगी क्योंकि मुझे तीखा ज्यादा पसंद है। और ज्ञानों की वजह से ना मिर्चियाँ थोड़ी सी कम डालती हूँ, लेकिन मैं खाती बहुत ज्यादा हूँ, मिर्ची बहुत पसंद है। और अभी डालेंगे नमक, तो नमक इसलिए अभी डाल देती हूँ क्योंकि अच्छे तरीके से मिल जाता है पूरे आलू में। और इसमें ना काट के नहीं डालेंगे, फोड़ के डालते हैं।
कर लेते हैं। और इसको खूब अच्छे से ऐसे ही बिल्कुल बढ़िया रेड कलर का गोल्डन कलर का भून लेना है। बहुत अच्छा टेस्ट आता है, कोई मसाला नहीं, बस ऐसे ही सिंपल। पूड़ियों के साथ बहुत ज़्यादा पसंद है मेरे घर में सबको, एक बार जरूर ट्राई करिए। और अब इसको थोड़ी देर के लिए भूनूंगी ऐसे ही। तो ये देखिए अच्छे तरीके से भून गई है, और देखो कितनी अच्छी हो गई है, बहुत ज़्यादा खिली खिली और खाने में बहुत टेस्टी लगती है, ज़रूर ट्राई करिएगा ऐसे। सब्जी तो अभी इसको हम लेके जा रहे हैं भोग लगाने के लिए, क्योंकि आपको पता है हमारे यहाँ ना भोग ऐसे ही लगता है, फिर बाकी जो अचार वचार लेना होगा। तो ये रहा खाना, आप लोग भी आ जाइए खा लीजिए। और ये दही मैंने रखी है क्योंकि मिश्रा जी को दही अच्छी लगती है, तो छोटू सा अचार रख दिया है, आज इनको नहीं बैठाया जाएगा। बाय बाय टुन्नू, बाय 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 बाय, जय गणेश। बेटा हो ले आओ, इधर से आओ, आगे से बनाओ, पूरी बढ़िया आज नहीं जाएगा। बाय बाय, जाओ बाय बाय, बोलो बाय बाय, बोलो बर्तन, ये इधर सब इधर रखे हुए हैं, तो इनको भी मैं जानते हो क्यों नहीं रख रही हूँ स्टैंड में, क्योंकि पानी गलता रहता है ना, तो बहुत फिर नीचे पूरा पानी पानी हो जाता है, तो इसकी वजह से। और ये साफ पानी भर के रख लिया, उसको ढकना है, तो ढक दूंगी थोड़ी देर बाद। और मैंने सोचा कि वीडियो को एंड कर दिया जाए यहीं पे, वरना काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग लाइक और शेयर ज़रूर करा करो, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, और एडिटिंग में ना बहुत टाइम लगता है। तो आपको मैं ये बताने वाली थी कि मैंने आपको बताया था ना कि सुबह की आज बहुत दिन बाद मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, तो उसका ये कारण है कि मेरी फैमिली में एक ट्रेजेडी हो गई थी, जिनकी अभी जल्दी शादी हुई थी। जल्दी से मतलब है कि हम ही लोगों के साथ में शादी हुई थी, थोड़ा सा आगे पीछे रहा होगा, शायद साल वही था या फिर हो सकता है साल चेंज हो, लेकिन बहुत ज़्यादा अंतर नहीं था, मुश्किल से 6-7-8 महीने का अंतर था हमारी शादी में और उनकी शादी में। तो उस टाइम पे परिवार में कई शादियां हुई थी, और एक छोटा सा बच्चा है उनका भी 5-6 साल का, तो उन मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों की डेथ हो गई है, छोटा सा जो बच्चा है बस वो बच्चा है, तो जिसके कारण परिवार में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो गया था, सभी लोग बहुत डिस्टर्ब हो गए थे।
और जब जैसे वो छोटा सा बच्चा है ना, उसको जब कोई उसकी बात करता है तो और ज्यादा ही दिक्कत होती है। आप सबको पता है, देखो मम्मी पापा की क्या वैल्यू होती है जिंदगी में, क्योंकि आपको उतना प्यार, उतना मान, उतना सम्मान कोई भी नहीं दे सकता है जितना कि मम्मी पापा। तो मम्मी पापा का होना बहुत जरूरी होता है। खैर, जब ऐसा कुछ हो जाता है तो पल तो जाएगा ही बच्चा, ऐसा नहीं है कि पलेगा नहीं, लेकिन मम्मी पापा की जगह कोई नहीं ले सकता यार, सीधी सी बात ये है। तो बहुत दुख का टाइम है और इसी वजह से मैंने बहुत दिन बाद आज वीडियो बनाया है, क्योंकि इतना सब कुछ हो गया था कि मन ही नहीं कर रहा था। तो ये सारे जो पुराने वीडियो रखे थे वो मैंने कर दिए हैं। और चलो, अब बस यही बताना था आप लोगों से, फिर से मिलूंगी एक व्लॉग के साथ। तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करना।